काशी विश्वनाथ की। संसार के प्राण आधार हो तुम, संसार के प्राण आधार हो तुम, शिव शंकर तेरे जय हो।
भगवान। शनकादि ऋषि कहते हैं कि वाघेश्वर नाम से उत्तम शिवलिंग शिवलिंग के प्राकट हुआ, जिसका उत्तम चरित्र और आपने श्रवण की, जो सभी मनोकामनाओं को देने वाला है, जो सबके इच्छाओं को पूर्ति करने वाला है, समस्त विकारों को दूर करने वाला है और वंश का वृद्धि करने वाला है। संत कुमार जी बोले, हे महामुनि वेदव्यास, विद्यल और उत्पल नाम के असुरों को भी भगवान ने उद्धार किया। भगवान शिव की ये युद्ध का जो लीला थी उसको आपने श्रवण किया। शत्रुरुद्र संहिता में वर्णन आता है कि भगवान शिव के 5 अवतार, शौनक जी ने बोले, हे सूत जी, जो परमानंद है, जिसकी लीला अनंत है और जो सर्वेश्वर है, सबका ईश्वर है, जो उमापति है और जो गौरी का प्रियतम है, कार्तिकेय और विघ्न विनायक के जो जन्मदाता है, उन आदिदेव भगवान शिव की हम वंदना करते हैं, जिनमें सज्जनों का कल्याण शिव जी द्वारा किया गया है। इसलिए हे सूत जी, हे शौनक, यही बात पूर्व में शनक कुमार जीरे परम शिव भक्त नंदीश्वर से पूछी। तब नंदीश्वर ने भगवान शिव के चरणों का स्मरण करते हुए और कहा, मुने, भगवान सर्वव्यापक, भगवान शिव सर्वव्यापक है और उनके असंख्य अवतार। एक बात आप जरा ध्यान देंगे, जो सर्वव्यापक है, जो विराट है, जो अनंत है,
क्या उसकी अब सर्वव्यापकता का ज्ञान इसी से होता है। कि भगवान क्या चींटी में नहीं है? अगर चींटी में है तो क्या एक गजेंद्र हाथी में नहीं है? अगर वो हाथी में है तो फिर वो वृक्ष में भी होंगे, नदी में है तो नाले में भी होंगे। अगर वो पर्वत पे है तो मरुस्थल में भी होंगे। अगर वो पुरुष में है तो स्त्री में भी होंगे। वो मंदिर में अगर है तो मस्जिद में भी वही होगा, और अगर वो मस्जिद में है तो गुरुद्वारे में भी वही होगा, और गुरुद्वारे में अगर वो है तो चर्च में भी वही होगा। ये नहीं कि मस्जिद में है तो गुरुद्वारा में नहीं है, गुरुद्वारे में है तो चर्च में नहीं है, चर्च में है तो मंदिर में नहीं। वो अनंत है, असीमित है। उसको किसी सीमा में बांधा नहीं जा सकता। कि बस परमात्मा इतने ही में है, नहीं। अगर वो ब्राह्मण का है तो क्षत्रिय का भी है, वैश्य का भी है, शूद्र का भी है। हमने परमात्मा को बांध दिया है, परमात्मा नहीं बंधा है। हमने बांध दिया कि ये हिंदू का है, ये मुस्लिम का है, ये सिख का है और ये ईसाई का है। इसको किसने बनाया है? हम या तुमने? उसको भी, उस परमात्मा ने ही भी हिंदू को भी बनाया है, सिख को भी बनाया है, ईसाई को भी बनाया है और मुस्लिम को भी बनाया है। ब्राह्मण को भी उसने बनाया है, क्षत्रिय को भी उसी ने बनाया है, शूद्र को भी उसी ने बनाया, वैश्य को भी उसी ने बनाया। हमने तुमने नहीं बनाया। वो अनंत है, असीमित है। जो अनंत है वो सब में है, सब जगह है, सब काल में है, सब परिस्थिति में है। मेरे भाई, इसलिए इसको बांटो नहीं। ये सब जीव उसी का है, उसी का रूप है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। ईश्वर सर्वभूताना, उसे बांटो मत। ये बात अलग है, जिसकी जहां आस्था होती है। हमारी आस्था
राम में है, आपकी आस्था कृष्ण में है, इनकी आस्था शिव में है, इनकी आस्था विष्णु में है, इनकी आस्था दुर्गा में है, इनकी आस्था काली में, वो बात अलग है। लेकिन राम भी वही है, कृष्ण भी वही है, शिव भी वही है, दुर्गा भी वही है, काली भी वही है, सब वही तो है। एको हम बहुश्याम का जो सूत्र दिया है, कि मैं एक हूं, जैसे बीज एक है, ध्यान से आप श्रवण करेंगे। देखो ये मोबाइल पे वार्तालाप और अगल बगल से वार्तालाप तो तुम्हें जीवन भर मिल जाएंगे, लेकिन जो वस्तु, जो समय, जो घड़ी तुम्हारे हाथ से निकल गया ना, वो दोबारा आने वाला नहीं है जीवन में। करोड़ों रुपए के, अरबों खरबों रुपए तुम खर्च करोगे तो भी नहीं मिलने वाला ये समय। जो तुम चाहो कि ये समय दोबारा लक्ष्मी नारायण के चरणों में बैठ करके और हम दोबारा कर लें, नहीं होगा। एक बीज है, उस बीज से एक पौधा हुआ, पौधे से में एक फूल लगा, फूल के बाद एक फल आया, और फल के बाद क्या हुआ, एक उसी फल से बीज की प्राप्ति। एक वस्तु अगर बीज नष्ट नहीं होता तो क्या वृक्ष होते? अगर वृक्ष में पुष्प आया, फूल आया, वो फूल नष्ट नहीं होता तो क्या फल होता? अगर उस फल की अस्तित्व समाप्त नहीं होता तो क्या बीज होता? वस्तु एक ही है, एक बीज से उस वृक्ष के ऊपर अनेकों फल लग गए, बीज एक था लेकिन फल अनेकों थे। इसी प्रकार से उस परमात्मा हम लोगों ने सृष्टि की वर्णन में श्रवण कर चुके हैं कि उस परमात्मा की जब इच्छा होती है, एक से अनेक होने की, तो वही परमात्मा एक से अनेक हो जाता है।
और जब अपनी लीला को संवरण करता है तो वही परमात्मा अनेक से एक हो जाता है। न्याय का एक सिद्धांत है, संप्रसारण और आकुंचन, पहले फैलाना फिर समेटना। तो इसी प्रकार से वो परमात्मा करता है। पहले अपने आप को फैला देता है, अब सोचिए एक व्यक्ति है, वो व्यक्ति किसी का पुत्र भी है, किसी का पिता भी है, किसी का पति भी है, किसी का भाई भी है, किसी का चाचा भी है, किसी का ताऊ भी है, किसी का जीजा भी है, किसी का साला भी है, किसी का नाना भी है, किसी का नाती भी है, लेकिन व्यक्ति किसी का मित्र भी है और किसी का शत्रु भी है, लेकिन व्यक्ति तो एक ही है ना। इसी प्रकार से उस परमात्मा, ये सब रूप उसी का है। संसार में जो भी दिख रहा है भगवान ने ब्रह्मा जी को भागवत में चतुर्थ श्लोक की भागवत का उपदेश देते हुए यही कहा, अहमेवा समेवाग्रे। जो कुछ तुम्हें दिखाई दे रहा है और जहां तक दिखाई दे रहा है सब मैं हूं। स्त्री और पुरुष में भेद क्या है? केवल शरीर के आकार। हर चीज, चक्षु भी वैसे है, श्रवणेंद्रिय भी वैसे है, नासिका भी वैसे ही है, रसना भी वैसे ही है, हाथ भी वैसे ही है, पैर भी वैसे ही है, हड्डी भी वैसे ही है, मज्जा भी वैसे ही है, ब्लड भी वैसे ही है, केवल शरीर की आकार। कोई अंतर किसी में नहीं, केवल अंतर है तो नाम और रूप में। बस दो चीज में अंतर है, नाम में और रूप में। बाकी सब एक ही, और ये नाम और रूप मिथ्या है। निरंतर रहने वाला नहीं है, रूप भी हमेशा नहीं रहता,
और नाम भी हमेशा नहीं रहते। इसलिए इस बात को हम अपने बुद्धि में, अपने अंतःकरण में, अपने मन से बैठा ले कि जो कुछ भी है सब के सब शिवमय, शिवमय कहो, राममय कहो, कृष्णमय कहो, दुर्गामय कहो, ब्रह्ममय कहो, क्योंकि सब एक ही है। यहां शिव पुराण की कथा चल रही, इसलिए शिवमय सब कुछ। भागवत चलता तो कृष्णमय हो जाता, राम कथा चलता तो राममय हो जाता, देवी भागवत होती तो देवीमय हो जाती। वस्तु एक है, नाम अनेक। ज्योति एक है, दीपक अनेक। प्रकाश एक है, घी अनेक। मेरे भाई बहन, अपनी मन से ये बिल्कुल निकाल दो यही तो इसी का नाम माया है। इसी का नाम माया है। अभी हम लोग सुन रहे थे ना असुरों की चरित्र में, जलंधर के भी चरित्र में हमने सुना था कि भगवान नारायण ने जो है वो दिखता नहीं है, जो दिखता है वो है नहीं। जो था वो दिख रहा था, नहीं रहा था, और जो नहीं था वो दिख रहा था वृंदावन। अभी हम लोगों ने सुना जलंधर था नहीं लेकिन वृंदा को दिख रहा था। भगवान विष्णु थे लेकिन वृंदा को नहीं दिख रहा था, यही तो माया। संसार में ये जो कुछ भी आपको दिख रहा है मेरे भाई, जो कुछ भी दिख रहा है ये सब की सब क्या है? माया है। ये आपकी पत्नी नहीं है लेकिन आपको पत्नी दिख रहा है, ये माया है। वो आपके पिता नहीं है लेकिन पिता दिख रहा है, ये माया है। और वो उपाय है उस परम पिता परमात्मा का जिसमें आपकी आस्था है। राम में आस्था हो, कृष्ण में आस्था हो, शिव में आस्था हो, नारायण में आस्था हो, देवी जी में आस्था हो,
हनुमान में आस्था हो, जिसमें आपकी आस्था, उसे आप अपने मन में बैठा। उसे आप अपने में मन में बैठा करके मन में है बसी बस चाह यही प्रिय नाम तुम्हारा उचारा करूं, बिठला के तुम्हें मन मंदिर में मनमोहन मूर्ति निहारा करूं। भर के दृघ पात्र में प्रेम का जल, भर के दृघ पात्र में प्रेम का जल, पद पंकज नाथ पखारा करूं, बन प्रेम पुजारी तुम्हारा प्रभु, नित आरती भव्य उतारा करूं। सत्य भी वही है और असत्य भी वही है, पाप भी वही है, पुण्य भी वही है, धर्म भी वही है, अधर्म भी वही है, सब कुछ वही है। जिसका स्वर्ग में वास है उसी का नरक में भी वास है। ये नहीं कि भगवान स्वर्ग में रहते नरक में नहीं रहते, नरक में भी वही रहते। अब बताओ, जब ये सारा संसार का जीव उसका पुत्र है, संतान है, अगर बच्चे का वो कष्ट हो, बच्चा पीड़ा से तड़प रहा है, आईसीयू में भर्ती है, तो मां का मन घर में लगेगा क्या? क्यों लगेगा घर में? सही सही बता, मां घर में होगी या हॉस्पिटल में? हॉस्पिटल में ना। तो जो जब ये संसार का जीव उसका पुत्र है, संतान है, वो जगत पिता है, तो नरक में यातना को भोगते हुए जब जीव को कष्ट होता है तो परमात्मा कहां होगा? त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम् त्वमेव, त्वमेव सर्वम् मम देव देव। तब जब माता भी वही है, पिता भी वही है, तो बताओ जब नरक में जीव यातना को भोग रहा है, पीड़ा को सह रहा है, दुख को कष्ट को भोग रहा है, तो परमात्मा नरक में नहीं होगा क्या? उस जीव को सांत्वना कौन देगा? भगवान नरक में भी उस जीव को सांत्वना देते हैं, बेटा तू चिंता मत कर, बस थोड़ी देर की पीड़ा है, इस पीड़ा से भी तुम्हें छुटकारा मिल जाएगी, थोड़ी देर धैर्य। और इसके बाद कब हूं करी करूं ना नर देही का।
स्वस्थ हो गया है। और वो परमात्मा बड़े भाग्यमान सुतनु पावा सुर दुर्लभ शव ग्रंथ बड़ी करुणा करके भगवान ने मानव का शरीर दिया और मानव का शरीर मिल गया। इसके बाद भगवान ने स्वतंत्र कर दिया, भैया तू स्वतंत्र है किसके लिए? केवल कर्म करने के लिए। कर्म के फल पे तू स्वतंत्र नहीं है, वो मेरे ऊपर है। कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। कर्म कर, ये नहीं कि भगवान शिव का अभिषेक कर रहे हैं तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, कोई जरूरी नहीं। मेरे भाई आप कथा सुन रहे हैं तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, ये कोई जरूरी नहीं है, ध्यान रखना। वैसे कहा है कि शिव पुराण श्रवण करने के बाद जीव को भगवान शिव के धाम को प्राप्ति होती है, लेकिन जाने में अनजाने में पाप भी तो होता है। शिव की धाम प्राप्त करने के लिए अभी हम लोगों ने सुना था, निंदा स्तुति मत करो, शिव के धाम प्राप्त करने के लिए बड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है। अरे नहीं तो सो परत्र दुख पावहिं, सो परत्र दुख पावहिं सिर धुन धुन पछताई, काल ही कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। कर्म तुमने किया, अरे बुरा कर्म क्यों करते हो, अच्छा कर्म करो ना। बुरा कर्म तो तुम कर रहे हो और दोष भगवान को दे रहे हो कि भगवान ने ऐसा किया। भगवान कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करते, भगवान किसी के साथ बुरा नहीं करते, ये तो तुम्हारा कर्म फल है। क्योंकि बोया पेड़ बबूल का, अरे बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए। जो तूने किया है इसीलिए कहते हैं किसी वस्तु के लिए कर्ता मत बनना, नहीं तो भोक्ता तुम्हें बनना पड़ेगा। हमने शिव की पूजा की, अगर ये समझोगे हमने की तो शिव के पूजा में जो दोष हुआ होगा वो तुम्हें भोगना पड़ेगा। हमने भंडारा की तो भंडारा में जो किंचित मात्र भी दोष होगा वो तुम्हें भोगना पड़ेगा। हमने नहीं की, हम कौन है? करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा हाथ भोलेनाथ
भोलेनाथ, मेरा आपकी कृपा से सब काम पदभार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। करे करावे आप ही नाम और की हो, पदभार की बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा। करते हो मेरे बाबा मेरा नाम हो रहा, विश्वनाथ की कृपा से सब काम हो रहा। तो करने वाला हो, कराने वाला हो, हम तो भैया निमित्त मात्र हैं। इसलिए इस अभिमान को, कर्तापन को त्याग करके और एक ही बात आज की कथा का विश्राम देते हुए एक ही बात बोलना है। क्या? मैं तो जपूं सदा शिव नाम, मैं तो जपूं सदा शिव नाम, भोले कृपा करो। मैं तो जपूं सदा शिव नाम, भोले कृपा करो। मैं तो जपूं सदा शिव नाम, भोले कृपा करो। मैं तो जपूं सदा शिव नाम, शंकर कृपा।
श्री राम बोले शंकर भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, रमण बिहारी लाल की, दुर्गा माता की, पुराण पुरुषोत्तम भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, सर्व संत हरि भक्तन की, आज के आनंद की, जय जय श्री राधे।